आराम से ना कर से आराम से आराम से ना ब्रोंड ब्रोंड ये ना ब्रोंड ब्रोंड ये हो यकीन में करा अच्छा भाई फारुख साहब की बाइट ले लीजिए फारुख साहब की बाइट आराम से आराम से आराम से आराम कोई नहीं आराम से एक मिनट लोग वाच चू होने वाले तो मैं समझता हूं ये बहुत जबरदस्त बहुत बड़ा सदमा है बस खोल ब्रोंड ब्रोंड से मैं शानदार था जी और हमारे मुल्क आज आपने देखा है कि एक कर्नल साहब भी शहीद हो गए हैं एक मेजर साहब शहीद हो गए हैं और ये जवान डीएसपी ये भी शहीद हो गए हैं कई हैं जो आज अस्पताल में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं शक नहीं है कि ये बर्बादी जो है ये बहुत वक्त से चल रही है और इसका मुझे अंत नहीं पता है आज भी देखिए रजौरी में एनकाउंटर कहीं और का एनकाउंटर रोज होते रहे और हुकूमत रोज चिल्लाती रहती है कि मिलिटेंसी ख़त्म हो गई बताइए मुझे क्या मिलिटेंसी ख़त्म हो गई ये ख़त्म नहीं होगा जब तक कोई रास्ता ना ढूंढा जाए जिससे अमन आ सके लड़ाई से अमन नहीं आता बातचीत से अमन आता लड़ाई से देख लीजिए आप यूक्रेन का हाल क्या है तबाह हो गया और कहीं भी कोई रास्ता निकल नहीं रहा वहां भी रूस को और इनको बात करके मामला हल करना पड़ेगा तो अमन के लिए बातचीत किससे करनी है दोनों मुल्कों ने बात करनी है उससे मुझसे बात नहीं करने से कोई फायदा नहीं बातचीत करनी दो मुल्कों की है जिनमें यह फसाद है और जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ यह फसाद इनके साथ है इसका हल निकालना जरूरी है केंद्र का दावा है कि आतंकवाद कम हुआ है पिछले कुछ वर्षों में अगर आप ये दिखता है कि कम हुआ है तब देख लीजिए आज जो ये हुआ है क्या ये दिखाता है कि आतंकवाद कम हुआ है इसको ये उल्लू बना रहा है ये क्या कहा जा रहा है कि कश्मीर में जो अमन की हवा चल रही है पाकिस्तान को रास नहीं आ रहा है देखिए पाकिस्तान को रास आए या नहीं आए पाकिस्तान में तो यह है पाकिस्तान तो कहता है कि हम ये मानते नहीं हैं वो तो यूनाइटेड नेशन का रेजोल्यूशन आपके पास फेंकते हैं क्या कहेंगे आप वो तो कहते हैं ये फैसला हमें मंजूर नहीं है क्या करेंगे ये कहा जा रहा है कि नेपाल और पंजाब के रास्ते से जो है पाकिस्तान मिलिटेंट्स को भेजा है देखिए मैं तो मैं इंटेलिजेंस में हूँ ना हुकूमत ना मैं ये इसका जवाब दे सकता हूँ आते कहाँ से आ तो रहे हैं और फुली ट्रेंड आ रहे हैं आज वो बात रहेगी नहीं मुझे तो ये भी डर लग रहा है कि कहीं ये गैर मुल्की किसी और मुल्क से तो नहीं क्या आप अफगानिस्तान की तरफ है मैं उंगली किसी की तरफ नहीं उठाना चाहता समझने वाले खुद समझ जाएंगे खतरा है लाख खतरा है रोज हमें से इसका सामना करना पड़ता है हमारे जवान हमारे अफसर हमारे लोग मर रहे हैं और इसका खमियाजा हम लोगों को उठाना पड़ता है जब वहाँ पर उन पर जुल्म किया जाता है आए कहाँ से किधर से आए क्या किया हमें वो भी बर्दाश्त करना पड़ता है साहब इंडिया पाक के दरमियान बातचीत की बात करें वो तो वो जो जिस पर हम लोग से क्यों गए पीओ के वापस लाना है वहां की किसी वजह से क्यों गए साहब ले आए करो कब तक कौन रोकने वाला इधर रोकने वाला करना करिए अगर उसे ये समझते हैं कि यहाँ का मसला हल हो जाए तो करें मैं आपको ये बता दूँ लड़ाई से कोई मसला हल ना हुआ है चार जंगें पाकिस्तान ने की हैं बॉर्डर वहीं पे खड़ा है चार जंगों के बाद बातचीत कर ली तो आप मानते हैं कि जब तक दोनों देशों के बीच में बातचीत नहीं होगी इस तरह के इंसिडेंट्स होते रहेंगे बिल्कुल होंगे ये बंद नहीं होंगे हम लोग बेवकूफ़ हैं अगर हम समझते हैं ये बंद होगा हम जाने खोते जाएंगे बातचीत के बगैर कोई रास्ता नहीं है हमें दोनों मुल्कों को घमंड छोड़ देना चाहिए और टेबल पे आके बात करनी चाहिए